कंग्रेचुलेशन 10K हो गए भाई, 10K हो गए। सबका प्यार है भाई। यार भाई आप लोगों को पता है आजकल जो हमारी कंट्रोवर्सी चल रही है, साथ बिल्कुल नहीं छोड़ रहा भाई। मैंने वही तो भाई एक तरफ तो अपनी सपोर्ट सही है कि उस टाइम उन्होंने अनमोल का साथ दिया, अब अनमोल ने उनको सॉरी बोल दिया तो वो अनमोल के साथ हैं। लेकिन भाई सिद्धू भैया का भी तो युग है ना, सिद्धू भैया राजू भाई की वजह से गए उनकी लड़ाई में, उसके बाद क्या हुआ राजू भाई पलट गए और अनमोल को ने सिद्धू राजू भाई को सॉरी बोला, लेकिन सिद्धू भैया को नहीं बोला एक छोटे से सॉरी की वजह से। गाइस आज इतनी बड़ी सवाल हो रहा है, राजू भैया कुछ करोगे नहीं करोगे? सो गाइस मैं मयंक भैया के घर पे आ गया था, पर मयंक भैया सिद्धू भैया के वहाँ पे गए हैं। मैंने कोई ब्लॉग का स्टार्ट नहीं करा, पर मैंने अभी सोचा क्योंकि मैं ब्लॉग का स्टार्ट कर दूँ तो हेलो जी मस्ते कैसे होप से बड़े होंगे फिट एंड फाइन होंगे एंड अपने भाई के लोग देख रहे होंगे। मैं नाम अभिषेक, मैं एकदम बढ़िया हूँ मेरी जान। तो अभी ना मैं सोच रहा हूँ कि मयंक भैया से बोल के सिद्धू और राजू भैया के ना कॉम्प्रोमाइज़ करा दूँ भाई, लड़ाई जो उनके बीच में हो रही है ना उसे सॉल्व करा दूँ। सो गाइस कुछ टाइम वेट करने के बाद मैंने मयंक भैया को कॉल किया कि प्लीज़ आप आ जाओ अपने घर पर ही, मैं अभी सिद्धू भैया के घर पर नहीं जाऊँगा आपके साथ जाऊँगा, मुझे थोड़ा बहुत डर लग रहा है करके। तो फाइनली देखो ये आ चुके मयंक भाई। मयंक भाई कंग्रेचुलेशन 10K हो गए भाई, 10K हो गए। सबका प्यार है भाई। यार भाई बहुत मेहनत करता है भाई, ये पीछे की पूरी घस देता है, इसने पूरा फोकस कर रखा है पता है यार। इस टाइम पे ना इसने अपनी जॉब छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, इसने अपना पूरा फोकस का यूट्यूब में ही है और ये कामयाब हो रहा है। तो इसकी मेहनत देख कर ना मैं अभी थोड़ा मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, जैसे तुम ना आने वाले कल के लिए कुछ पीछे पुरानी चीज़ें नहीं छोड़ोगे ना तो तुम आने वाला तुम्हारा जो कल है ना वो कभी सबसे बढ़िया नहीं हो पाएगा। तो छोड़ना तो हर किसी में हर चीज़ में लिखा है। ये बात तो सच है भाई, पर लौंडा छा रहा है धीरे धीरे वायरल वायरल। बाकी देखो पब्लिक का प्यार है और बाकी अपने दोस्त हैं जो दुबई जैसे भाई, तो नॉर्मल सी बात है भाई, बंदा ऊपर जाएगा नहीं जाएगा। अब भाई देखो आप लोगों को पता है आजकल जो हमारी कंट्रोवर्सी चल रही है भाई, मैं सिद्धू भाई के साथ हूँ इसलिए भाई मैं आज उनके हर दुख में दर्द में काम आ रहा हूँ, तो इस वजह से मैं भी उनकी जो पब्लिक है वो मेरे को प्यार कर रही है भाई, उसके लिए भाई थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। हाँ इस तरीके आर्मी सिद्धू भैया का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ रहा भाई, मैंने वही तो पूछने आया भैया क्या सकता है राजू भैया सिद्धू भैया का। देख इस टाइम में मैं बताऊँ तेरे को उन दोनों का ऐसा सीन है राजू भाई सिद्धू भाई का, राजू भाई एक तरफ तो अपनी सपोर्ट सही है कि उस टाइम उन्होंने अनमोल का साथ दिया, अब अनमोल ने उनको सॉरी बोल दिया तो वो अनमोल के साथ हैं। लेकिन भाई सिद्धू भैया का भी तो युग है ना, सिद्धू भैया राजू भाई की वजह से गए उनकी लड़ाई में, उसके बाद क्या हुआ राजू भाई पलट गए और अनमोल को ने सिद्धू राजू भाई को सॉरी बोला, लेकिन सिद्धू भाई को नहीं बोला एक छोटे से सॉरी की वजह से। गाइस आज इतनी बड़ी बवाल हो रहा है, लेकिन ये सब जो भाई जो भी गई जो भी हो रहा है ये हो रहा है ढोगले अनमोल की वजह से। अगर वो मे भी पहले गलती ना करता, पहले ही कॉन्ट्रोवर्सी स्टार्ट नहीं करता तो आज शायद ये सब नहीं हो रहा होता। और सबसे मेन बात भाई इसमें ना कहीं कहीं गलती ना, देखो मैं मना नहीं करूँ, मैं बुरा नहीं बोलूँगा किसी को, लेकिन भाई कुछ ऐसे लोगों की है जो बीच में आके ना फंसाने वाले हैं, ठीक है। अभी जैसे आपने देखा होगा गाइस कि बीच में कभी मोटा ने पहले हमारे साथ इतना लड़ाई वड़ाई करी फिर हमारे साथ आ गया, अभी आप लोगों ने लेटेस्ट कंटेंट देखे होंगे। लेकिन गाइस पता क्या इस ना इन सब की ना चाल चल रही है, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं सिद्धू भैया से बोल रखा है सिद्धू भैया अगर तुम मेरे पर विश्वास भी नहीं करो ना कोई बात नहीं, लेकिन भाई इन लोग पर विश्वास भी मत करो, मैं मुँह पर बोल रहा हूँ। लेकिन ये ऐसे बंदे हैं जो दोगले बंदे हैं आने वाले टाइम पे तुम्हारे पिछड़ने फिर लात मारेंगे, फिर तुमसे कहेंगे तू कौन है, क्योंकि ये सब व्यूज के चक्कर से तुम्हारे पास आ रहे हैं। जैसे ही मोटे के व्यूज डाउन हुए वो तुम्हारे पास आया तुम बात करने का, अब भाई जैसे ही कुछ होगा कि वो या तो सर्टिफिकेट के साथ मिल जाएगा भाई, मेरे को पक्का मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूँ लेकिन मे भी शायद गाइस हो सकता है। अब बाकी यार वो सब तो आने वाले कलों में जो देखा होगा देखा जाएगा। बताओ राजू भैया कुछ करोगे नहीं करोगे? दिया मैं क्या करूँ देखिए भाई, एक बार बताओ सिद्धू भैया के ना गुस्सा वह जायज है, क्योंकि देखो सिद्धू भैया गए उनके पास गए राजू भैया ने पलट दिए एकदम से, ठीक है। अनमोल कैसे खेलना ना पूरा वो सब अनमोल की ही गलती है, ठीक है। उस दिन जैसे ना उस दिन अगर वो मे भी अनमोल की साथ ना देता तो उस दिन सिद्धू भाई राजू भाई पर हाथ नहीं उठाते, मतलब जो भी तुमने देखा होगा डंडा वंडा मारता वो नहीं होता, तो आज ये उतनी बड़ी बात नहीं होती। लेकिन घूम फिर के क्या मन बन रहा है, घूम फिर के अनमोल ही गलत, अनमोल ही गलत है यार। और पता है इस चक्कर से पता है हमारा केदारनाथ राइड कैंसिल हो गया। हाँ हम लोग की केदारनाथ राइड कैंसिल हो गई गाइस, सिद्धू भाई सो सॉरी। मैं आपको बताता हूँ ये मूवी साथ केदारनाथ राइड पर जाने वाला था, लेकिन भाई अभी कुछ टाइम पहले जो तुम देख रहे हो ये कॉन्ट्रोवर्सी के हिसाब से इस वजह से भाई हमारे केदारनाथ राइड जो थी वो कैंसिल हो गई है, और वो शायद से अगस्त के टाइम पे कंफर्म हो रही है। इतना लेट डिले क्योंकि भाई अरे यार ये सब पता नहीं कब चलेगा ना, ये तो कब सही होगा। और भाई वैसे केदारनाथ में थोड़े इस टाइम पे बिगड़े पता है, एक महीने से मैंने वीडियो डाली आपने देखा ही होगा, आप वेट कर रहे होंगे भाई, मैंने सोचा कि केदारनाथ राइड डाल दूंगा मैं,
और भाई एकदम से जैसे दिल टूट रहा है, मतलब 21 तारीख को हमें बोला कि केदारनाथ में बहुत भीड़ हो गई है, पास नहीं मिल रहे, नहीं जा सकते। तो मैंने एक वजह से कंफर्म करा कि नहीं यार अगस्त में डिले, जून में डिले, पता नहीं कब करते जाएंगे और सिद्धू भैया के पास चले नहीं मिले। सिद्धू भाई देखता हूँ, सिद्धू भैया अभी ना आजकल खुद ही मतलब वो किसी से मिलना नहीं चाहते, बताऊँ तो उनसे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो उन भाई बताऊँ वो ना किसी से विश्वास करने का इस टाइम ना वो उन जो होता है ना एक बंदे के ऊपर ट्रस्ट वो किसी के ऊपर नहीं है, तो इसलिए भाई मैं उनके वहाँ रहता हूँ। आप लोग भी मुझे कॉल वॉक मैसेज करते, भाई मैं खुद नहीं चाहता कि मैं आप लोगों से बात करूँ, क्योंकि उस टाइम उनका मूड खराब रहता है। 1 million zillion jillion dillion cotillion times later उनका हेलमेट टूट गया था ना, तो खोल तो हेलमेट का वाइजर खराब हो गया था, मैंने नया वाइजर डलवा दिया, वाइजर डला दिया इसने भाई। मैं भाई शिवा जाएंगे थोड़ा घूमने, हनुमान धाम के साइड जा सकते हैं घूमने के लिए हम भाई। वाओ भाई KTM देख लो, KTM फिर कोई नहीं भाई। मैं और यहाँ पे पहुँच चुके हैं शिवा भाई, शिवा में पहुँच चुके हैं यहाँ पर, भैया आ गए हैं, भैया आ गए भाई, कितना अच्छा लग रहा था पूरा। चले भाई मैंने ना दर्शन कर लिया फाइनली, मेरा आगाना अच्छा लगता है मेरा दर्शन करने का, तो मैंने दर्शन कर लिया। उसके बाद भाई जो मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी ना 15-20 मिनट में, मैंने 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ी, उसके बाद बहुत अच्छा सुकून मिल रहा है मुझे। मैंने बोला था ना भाई हनुमान चालीसा पढ़ लेते थे इतना सुकून मिलता दिल को, मैंने पढ़ दी 7 बार पढ़ दी और ये रहा प्रसाद मेरा, अचानक प्लान बना शिव जी के दर्शन करके आता हूँ भाई, मेरे फेवरेट, मेरे भोलेनाथ, मेरे भंडारी, मेरा भोला भंडारी। चलो कोई बात नहीं, बहुत पका रहा हूँ आपको। 5 hours later मैं आ गया था भाई धूप से होने के, भाई 11-12 बज गए थे मुझे हनुमान धाम से आते हुए, तो इतनी धूप हो गई ना भाई, मैं से रहा नहीं गया क्योंकि मैं धूप से बहुत कम निकल रहा हूँ ना आजकल, मुझे डिहाइड्रेशन हो जा रहा है ना, क्योंकि चक्कर आने लग गया है धूप में। फाइनली मैं ये बोलना चाहता हूँ ना, क्योंकि मैं भी मोटो ब्लॉगिंग करने वाला हूँ, ब्लॉग्स कम आएंगे पर मोटो ब्लॉग से रिलेटेड आएंगे। और फाइनली देखो मेरे पास कुछ ये वाली बाइक है, मेरे पास ये एक R15 भी है जो भैया की है फिलहाल, फाइनली एक भैया की है जो मैं उनसे मांग लूँगा चलाने के लिए आपको मोटो ब्लॉग दिखाने के लिए, क्योंकि मेरे पास अभी खुद की पर्सनल स्पोर्ट्स बाइक नहीं है ना। तो फाइनली मैंने सोचा था कि सिद्धू भैया एंड राजू भैया का थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करा दूँ करके, पर मैं उनसे मिल नहीं पाया, भैया थोड़ा सा बिजी थे इसलिए, तो कोई नहीं आप नेक्स्ट ब्लॉग में देख लेना। तो आज के ब्लॉग में आपने देखा कि मैं मैंग भैया के साथ गया था, क्योंकि समझाया कि भाई तो ब्लॉग्स बना, ये करियर बना अपना, तो मैं चाहता हूँ ना आप लोग मुझे सपोर्ट दिखाओ भाई। अब ब्लॉग्स आएंगे, तगड़े आएंगे और बिल्कुल एंटरटेनमेंट पर्पज़ के आएंगे, आपको पूरा एंटरटेनमेंट करूँगा मैं। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही है, कोई ब्लॉग तो नहीं था, इंफॉर्मेशन वीडियो थी जो भी थी, तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर गाइस, बाय बाय, जय श्री राम।